अरब सागर से लगातार मिल रही नमी के कारण मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर बरसात का सिलसिला रुक रुक कर जारी है। आज भी कई जगह बूंदाबांदी हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक लगातार बादल बने रहने से दिन का तापमान अनेक स्थानों में सामान्य के नीचे दर्ज किया जा रहा है। इससे दिन में ठंडक महसूस हो रही है। अब भोपाल सहित प्रदेश के कुछ स्थानों पर रात के तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू होने के आसार हैं। गुरुवार शाम से ही प्रदेश में मौसम का मिजाज बिगड़ने लगा था। तीन दिनों से भोपाल सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर रुक रुक कर बरसात होती रही। इससे दिन के तापमान में जहां गिरावट हुई, वहीं रात के तापमान बढ़े रहे। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक रविवार से राजधानी सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश में मौसम धीरे धीरे साफ होने की संभावना है, लेकिन दक्षिण मध्य प्रदेश विशेषकर मालवा निवाड़ क्षेत्र में रविवार से बौछारे पड़ने का सिलसिला शुरू हो सकता है। रुक रुक कर बरसात का दौर सोमवार को भी जारी रह सकता है। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि अरब सागर में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। आज से पश्चिमी मध्य प्रदेश में बरसात की गतिविधियां कम होने लगेंगी, लेकिन दक्षिणी मध्य प्रदेश में बरसात का दौर शुरू हो सकता है। विशेषकर मालवा निमाड़ क्षेत्र में दो दिन तक रुक रुक कर बौछारें पड़ सकते हैं। शेष स्थानों पर मौसम खुलने से रात के तापमान में गिरावट का दौर शुरू होने की संभावना है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।